अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी रेसिपी है नहारी मसाला। ये हमने कैसे बनाया है आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईद उल अदा आ रही है, तो हमने इसलिए, बहुत से लोग नहारी बनाते हैं, तो इसलिए हमने नहारी मसाला बनाया है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करना फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से बनाया है, आप लोगों को पसंद आएगा। चलो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजवाइन है, ये एक टेबल स्पून लेंगे हम अजवाइन। इसे बॉल में डाल लेंगे। ये ज़ीरा है, ये तीन टेबल स्पून लेंगे हम भर के। ये सात ज़ीरा है, इसे हम एक टेबल स्पून लेंगे। ये सौंफ है, इसे तीन टेबल स्पून लेंगे। डेढ़ टेबल स्पून हम ये गुलाब के पत्ते यूज़ करेंगे, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। इसके अंदर हमारे मसालों में अच्छा टेस्ट लाएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। इससे हम ये डेढ़ टेबल स्पून यूज़ करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम काली मिर्च लेंगे, ये हाफ टेबल स्पून। और हाफ टेबल स्पून हम लौंग लेंगे, ये 20-15 होएगी ये। और ये 6 हम ये लेंगे, ये पीपली है, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, ये हम 6 लेंगे। इसे हम 6 यूज़ करेंगे। और 4 बड़ी इलायची लेंगे, 4 बड़ी इलायची, 8 से 10 ये हरी इलायची, और 2 बादामी फूल, ये यूज़ करेंगे हम। और ये हम, अब बाकी के हमारे ये मसाले हैं। ये तेज़पत्ता है, ये तेज़पत्ता हम 6 लेंगे। चार हम ये दालचीनी का पीस ले लेंगे ऐसे, 4। एक ये जायफल का टुकड़ा है ऐसे, एक आधा हमने जायफल का टुकड़ा ले लिए। और 2 ये फूल लेंगे हम ऐसे वाले, जावित्री का फूल है ये लेंगे। और ये 8-9 सूखी लाल मिर्ची है, ये लेंगे हम। अब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर मिक्सर करेंगे इसे ठंडा होने के बाद। फिर इसमें हम ये अपने ड्राई मसाले जो है ये ऐड करेंगे। ये है सूट पाउडर, जिसे जिंजर का पाउडर भी कहा जाता है, सूखे हुए अदरक का पाउडर। और ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। और ये है सेट्रिक एसिड, इसे नींबू का सद भी कहा जाता है। ये 1/2 टेबल स्पून है, ये 3 टेबल स्पून है, और ये 2 टेबल स्पून है। इसे हम कैसे ऐड करेंगे आपको बताएंगे, पहले हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे। और इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का ही करना है बस। खुशबू इसमें आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी खुशबू जल जाएगी तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बस 2-3 मिनट ही हमें इसे कुक करना है। घर के बनाए हुए मसालों की बात ही कुछ और होती है, फ्रेश एकदम अच्छे मसाले बनते हैं हमारे घर के।
मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे मिक्सी की जार में डाल के पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आप पीस के कितना अच्छा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब इसमें हम ये ड्राई मसाले अपने ऐड करेंगे। ये जिंजर पाउडर है, ड्राई सूंड जिसे कहते हैं, ये 2 टेबल स्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एयर टाइट कंटेनर में 3 महीने तक रख के से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखिए। और नमक इसमें अभी ऐड नहीं करना है हमें। ये देखो फ्रेंड्स, नहारी मसाला बनके तैयार हो चुका है। ये कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी लग रहा है बिल्कुल देखने में, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग ज़रूर एक बार ऐसा बना के ट्राई करना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना, मेरी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।